Hi everyone, press the bell icon for latest updates and subscribe to the channel. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त जफर इकबार और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जफर स्टूडियो में। तो दोस्तों, इंस्टाग्राम पे एक फोटो है जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, तो मैंने सोचा इसका ट्यूटोरियल क्यों ना बनाया जाए। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाइए, पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलना। और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि मुझे वीडियो कैसी लगी। और अगर फोटो आप बनाते हैं ये वाली तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करें @zafarstudio। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। दोस्तों, यहाँ पे पिक्सार्ट ऐप पहले से ओपन करके रखा है और यहाँ पे एक बैकग्राउंड ओपन करके रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग ड्रॉ टूल में जाएंगे, लेयर में जाएंगे और जो नीचे का लेयर होगा उसे हम लोग डिलीट कर देंगे ताकि हम लोगों को एक ब्लैंक लेयर मिल जाए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग अपना एक फ़ोटो ऐड करेंगे, तो ऐड फोटो में जाएंगे और यहाँ से अपने मॉडल का फ़ोटो चूज़ कर लेंगे। अगर आपको बैकग्राउंड इरेज करना आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग उस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं कि बैकग्राउंड किस तरह से इरेज करते हैं। इसके बाद इसे क्या करेंगे, पूरी तरह से स्ट्रेच कर लेंगे साइड से, दोनों तरफ से मैं स्ट्रेच कर लेता हूँ उसको और अच्छे से स्ट्रेच कर लेता हूँ। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे डन कर देंगे। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए वरना कुछ समझ नहीं आएगा। इसके बाद टूल में जाएंगे, स्ट्रेच में जाएंगे, वर्ब चुनेंगे जिसका साइज और पावर दोनों 100 होना चाहिए और फोटो को जूम कर लीजिए और इसको अच्छे से स्ट्रेच कीजिए। देख लीजिए मैं किस तरह से स्ट्रेच कर रहा हूँ, बिल्कुल वैसे ही कीजिए, आप लोग कर लेंगे, बहुत इजी है। और आपको पता होगा दोस्तों कि मैं हर बार एक नई ट्रिक के साथ यूज़ करता हूँ, पिक्सार्ट में वीडियोज़ बनाता हूँ, तो इससे इस ट्रिक को यूज़ करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये फ़ोटो कैसे बनाऊं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे जब मैंने फ़ोटो देखा तो वो लोग फोटोशॉप से यूज़ कर रहे थे और फोटोशॉप में बहुत इजी हो रहा था बनाना, बट मैंने सोचा कि पिक्सार्ट में कैसे बनाऊं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि पिक्सार्ट में ये वाली फ़ोटो एडिट करूं तो कैसे करूं। बहुत सोचने के बाद, बहुत दिमाग लगाने के बाद, थोड़ा सा खुराफाती दिमाग चलाया, देन लास्ट में सक्सेसफुल हो गया। ये करने के बाद आपको ये इस तरह से पूरी तरह से स्ट्रेच करने के बाद आप इसे डन कर दीजिए। इसके बाद कुछ कुछ चीज़ें को हम लोग क्रॉप कर लेंगे, तो टूल में जाएंगे, क्रॉप में जाएंगे और ऊपर से थोड़ा सा क्रॉप करेंगे और नीचे से थोड़ा सा क्रॉप कर लेंगे, ओके। क्योंकि हम लोगों को मेनली ब्लैक और ये क्रीम कलर और ये रेड चाहिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में हमें रेड चाहिए तो हम लोग टूल में जाएंगे और इसे फ्लिप कर देंगे, हॉरिजॉन्टली फ्लिप, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इफेक्ट में जाएंगे, एफेक्ट्स वाला इफेक्ट। उसके बाद डिसॉर्ट में जाएंगे और यहाँ पे टाइनी प्लैनेट होगा, इसे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए पूरा गोल हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, जूम को पीछे करेंगे, करीब करीब 30-38 के करीब करीब करेंगे और देखिए गोल सही से नहीं हुआ, तो उसको बस शिफ्टिंग को एडजस्ट करके आप पूरा गोल अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अच्छे से एडजस्ट करीब करीब तो हो ही चला है। एक बार थोड़ा सा और पीछे कर लेता हूँ, देखो कैसा लग रहा है। हाँ, ये अब कंप्लीट अच्छा लग रहा है, बिल्कुल। थोड़ा सा और पीछे कर लेता हूँ, हाँ अब बेटर लग रहा है। मुझे रेड पूरा मिल गया, बीच में येलो वगैरह भी सब मिल गया, इसे डन करके आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद हम लोग टूल में जाएंगे और यहाँ से इसको क्या करेंगे, हम लोग शेप क्रॉप जो है उसको चूज़ करेंगे, सर्किल लेंगे और इस सर्किल को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, ओके। तो अच्छे से एडजस्ट करके बड़ा कर लेते हैं एक यहाँ तक। इसके बाद यहाँ से रेड कलर चूज़ करते हैं और थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देते हैं, ठीक है। आपका जितना ज़रूरत हो उसी हिसाब से बढ़ाएं, ठीक है। इसके बाद इसे सेव कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग इसे ड्रॉ में जाएंगे, ड्रॉ में जाने के बाद इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये PNG में हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बैक करेंगे और इसके बाद इसे अंडू करेंगे, पीछे जाएंगे और पीछे जाएंगे, जहाँ हमारा पहला बैकग्राउंड था वो वाला, और पीछे एक बार और बस। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ में जाएंगे, ड्रॉ में जाने के बाद पहला एम्प्टी लेयर चूज़ करेंगे हम लोग। तो यहाँ पहला जो एम्प्टी लेयर है इसके ऊपर हमें क्या चाहिए, ऐड फोटो में जाएंगे और यहाँ से जो हम लोगों ने मॉडल है हमारा उसे चूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे मॉडल को मैं अच्छे से बैठा लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, इसके बाद इसे डन कर देता हूँ। फिर सेकेंड एम्प्टी लेयर लेंगे, यहाँ पर हम लोग जो PNG बनाए थे उसको हम लोगों को ऐड करना है, तो ऐड फोटो में जाकर जो PNG अभी बनाया था हम लोगों ने उसको ऐड कर लेते हैं और इसको बड़ा कर लेते हैं अच्छे से,
थोड़ा सा, हाँ अब इसको अच्छे से नीचे की तरफ एडजस्ट कर लेते हैं, ये डन हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेयर में जाएंगे और इसको नीचे कर देंगे, तो ये हमारा ऊपर में आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे सर के पास, सही से देखिएगा ठीक है, सर और पैर के पास एकदम साइज में होना चाहिए, वरना कट करने के बाद अच्छा नहीं लगेगा। सर डन करते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम लोग जाएंगे इरेजर में। इरेजर में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि शेप में जाएंगे और स्क्वायर चूज़ करेंगे, फिल पे क्लिक करेंगे और इसको इरेज करेंगे। ये क्या हुआ, एक बार फिर से जाता हूँ मैं, और शेप में गया, हाँ इसको चूज़ किया, हाँ ये अब इरेज हो गया। तो अच्छे से इसको देख लीजिए, साइड से पूरा इरेज करना है। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है ठीक। इसके बाद क्या करना है, हमें शैडो क्रिएट करना है। शैडो क्रिएट करने के लिए एम्प्टी लेयर लेंगे, नीचे लाएंगे दोनों के नीचे। इसके बाद हम लोग ऐड फोटो में जाएंगे और शैडो का पीएनजी मैंने बना कर रखा है पहले से, तो इसे हम लोग ऐड कर लेंगे। इसे बहुत सारे वीडियो में देखा होगा कि मैं कैसे शैडो बनाता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा। अगर आपको बनाना आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो पुरानी वीडियोज़ देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कैसे बनाया जाता है। मैं टाइम को बचाने के लिए बस मैंने पीएनजी यूज़ किया है ठीक है। इसके बाद इसका ओपासिटी थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं सारी पीएनजी। इसके बाद मैं इसे फिर से एक बार कॉपी कर लेता हूँ और ट्रांसफॉर्म करके क्या करता हूँ ना कि पैरों के पास जूम करके दोनों पैरों के पास लगा देता हूँ, जूतों के पास, ताकि जूते का जो शैडो है वहाँ पे वो भी नज़र आए। तो अच्छे से मैं कर लेता हूँ, ये एक जूते के पास लग गया। इसके बाद फिर से इसे कॉपी कर लेता हूँ एक बार और, कॉपी और ट्रांसफॉर्म, सॉरी ट्रांसफॉर्म वो नीचे लाना है पहले, और अब ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। इसके बाद क्या करना है, दूसरे पैर के पास भी अच्छे से लगा लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। कुछ इसे को थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, तो मैं इरेज भी कर लेता हूँ, थोड़ा सामने से इरेज कर लेता हूँ। ये कंप्लीट हो चुका है, ये करीब करीब डन हो चुका है ऑलमोस्ट ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद हमें क्या करना है कि फ़ोटो को सेव कर लेना है। अगर आपको लगे कि लाइट रूम में अगर इसका करेक्शन करना है तो आप यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई परेशानी नहीं है ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।